नमस्कार, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में है स्वागत। मैं आपको इस प्रोग्राम में आज सोमवार का राशिफल बताने जा रही हूँ टैरो कार्ड की मदद से, आपके सन साइन के हिसाब से जो आपकी जन्म तिथि पर आधारित है। तो आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार आज का राशिफल देखिए। तो आज सोमवार के दिन कैसा रहेगा आपका दिन? तो सबसे पहले एरिस यानी कि मेष राशि से करते हैं शुरुआत। तो एरिस के लिए निकल कर आता है ये कार्ड। तो एरिस का कार्ड निकल कर आता है द फूल। ये कार्ड ये बताता है आज के दिन आप जो है ना, मतलब बहुत ही रोमानी हो सकते हैं। ये कार्ड इंडिकेट करता है आज के दिन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का आज रोमांटिक साइड सामने आएगा और बहुत ही चाइल्डिश वे में थोड़ा सा बिहेव करने वाले लोगों से लोग हो सकता है कि आपको बोले कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है व्यक्ति, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब तरीके से लोगों के सामने आपका बिहेवियर हो सकता है। तो आपको आज लैक ऑफ मेच्योरिटी मुझे नजर आता है आपके आज के बिहेवियर में। चलिए अब टॉरस की बात करते हैं आज के दिन। तो टॉरस के लिए निकला है ये कार्ड, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये बताता है किसी व्यक्ति से आपका कोई अपसेटिंग कम्युनिकेशन हो सकता है, कि कोई व्यक्ति या तो आपको कोई बैड न्यूज दे दे, या फिर हो सकता है कि आपसे ठीक से बात ना करे और आप उस वजह से थोड़े से अपसेट हो जाए। चाहे जो भी हो, आपको थोड़ा सा धीरज से काम लेना चाहिए। और मैं आपको ये बोलूं कि अगर अपसेटिंग न्यूज भी है तो आज के दिन आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालने की जरूरत है। और अगर कोई व्यक्ति आपसे ठीक से बात ना करे तो आप बैक आंसर मत कीजिए, क्योंकि बात बिना बात पे बढ़ सकती है, क्योंकि ये एनर्जीज अच्छी नहीं आ रही आज के दिन की। चलिए अगले राशि का रुख करते हैं। आप जेमिनी की बात कर लीजिए, तो जेमिनी के लिए चलिए यहाँ से निकालती हूँ कार्ड। जेमिनी के निकल कर आता है सिक्स ऑफ हार्ट्स का कार्ड। ये बताता है नॉस्टैल्जिया। ये कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आज आप अतीत के बारे में बात करने वाले हैं, अतीत की यादों में खोने वाले हैं। और आज के दिन आप टोटली, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आज आप पुरानी कोई एल्बम खोल के बैठ जाए, मतलब अगर आप पुराने टाइम की कोई एल्बम होगी आप उसे खोल के बैठ जाए और देखें कि हाँ बचपन में हम ऐसे थे, और मतलब हमारी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करें, ऐसा कुछ आपका मुझे लगता है। तो ये जो आपका पास्ट विजिट करने का जो एक्सपीरियंस है ना, ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आप इससे काफ़ी अच्छा भी फील करेंगे। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात कर ली जाए, तो कर्क राशि के लिए ये कार्ड निकल कर आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए फाइनेंसिस की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि मनी गेन डेफिनेटली है, मनी गेन के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आज आप अपनी चीज़ों को लेके कुछ पोजेसिवनेस भी दिखा सकते हैं, कि अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो ये पोजेसिवनेस कभी कभी जो है ना आपका इंप्रेशन किसी के सामने ख़राब भी कर सकती है, कि ये व्यक्ति ना अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, शेयरिंग एटीट्यूड नहीं है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अगली राशि की बात करें, तो लियो की बात कर लेते हैं। तो लियो के लिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ। देखिए लियो का कार्ड तो अच्छा निकल कर आता है, फोर ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे लगता है कि आज आप, हो सकता है कि अपने घर में थोड़ा सा सफाई करने के बारे में सोचें, आपको लगे कि वीकेंड पे तो कुछ किया नहीं, तो अभी हो सकता, चलिए अब थोड़ा घर को बेहतर करने के लिए कुछ रेनोवेशन की प्लानिंग कर ली जाए। आने वाले समय में कैसे अपने घर को और बेटर लुक्स देना है, उसके लिए हो सकता है कि आप कुछ प्लानिंग करें, अपने घर में फर्नीचर थोड़ा सा आप रीअरेंज करें, या कोई नया फर्नीचर ऐड करने के बारे में सोचें। इस तरह की कुछ प्लानिंग लियो कर सकते हैं, रेनोवेशन के लिए अच्छा दिन है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए आज कुछ प्लानिंग करना बहुत अच्छा रहेगा लियो राशि वालों के लिए आज का। तो वर्गों के लिए भी देख लेते हैं। तो वर्गों के लिए ये निकल कर आता है कार्ड द मैजिशियन का। तो देखिए मुझे जो, देखिए हर कार्ड का ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो जब हम एज ए रीडर निकालते हैं तो कुछ इंट्यूटिव एनर्जीज होती हैं जिससे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो मैजिशियन का कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वर्गो राशि वाले आज किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जो आपको कुछ मैनिपुलेट करे, आपके सामने वो दिखाने की कोशिश करे जो एक्चुअली में वो है नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, आप उसकी बातों में आ ना जाए। ऐसा बातों में आ गए ना तो फिर आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि जब वो व्यक्ति है ही नहीं वैसा और आपको दिखा कुछ और रहा है, तो हो सकता है कि उसकी बातों में आकर आप कुछ अपना नुकसान कर दें, और मतलब कहीं ना कहीं आप बाद में पछताएं कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि का देखते हैं। तुला राशि के लिए निकल कर आता है एट ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आज आपके कॉन्टैक्ट्स आपके बड़े काम आने वाले हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स में से कोई व्यक्ति, हो सकता है आपको, आप बैठे बैठे सोचे कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं और कोई चीज़ आपकी अटकी हुई है और बात नहीं बन रही, और अचानक आपको कोई कॉन्टैक्ट याद आ जाए और आप एकदम से फ़ोन कॉल लगाएं और व्यक्ति करें, अरे इतनी सी बात थी, आपने पहले क्यों नहीं बोला, मैं ये काम तो बहुत ईजिली हो जाएगा और आपके काम बन जाएंगे। तो ये आप मान के चलिए कि आज का दिन आपके कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट्स ही हैं जो आपके काम आएंगे, तो इनिशिएट करिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को, और अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो भी आप अपने कॉन्टैक्ट्स को फिर से रिवाइव कीजिए और देखिए कहीं ना कहीं से कॉल आ सकता है आपको। चलिए अब अगली राशि की बात करते हैं, तो स्कॉर्पियो की बात कर ली जाए, तो स्कॉर्पियो के लिए ये निकल कर आता है कि स्कॉर्पियो वाले थोड़े से आज के दिन अपसेट हो सकते हैं, क्योंकि आज की एनर्जीज थोड़ी सी इमोशनली आपको लो कर सकती हैं, गमगीन हो सकते हैं, फॉर नो अपेरेंट रीजन भी हो सकता है या आपको अपसेट भी कर सकता है। तो कभी कभी हम फॉर नो अपेरेंट रीजन भी थोड़े से अपसेट होते हैं क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ था, तो आज मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल रख के अपने आप पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अपने साथ अपना समय बिताइए। मे बी आज के दिन बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा समय निकालिए, अगर आप ऑफिस में भी हैं तो शाम को थोड़ा जल्दी जाके आप किसी स्पा में जाइए और अपना हेड मसाज कराइए, अपने फेशियल कराइए, मतलब थोड़ा सा आप अपने पे टाइम स्पेंड कीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा कि किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना आज आपके लिए बिल्कुल मैं एडवाइस नहीं करूँगी। अगली राशि की बात कर ली जाए, तो अगली राशि है सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस के लिए चलिए यहाँ से निकालती हूँ कार्ड्स। सेजिटेरियस के लिए निकल कर आ रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए सेजिटेरियस के लिए आज मैं बोलूँगी कि आज आप ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आज थोड़े से फाइनेंशियली आपको टाइट हो सकते हैं, कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ प्रॉफिट होगा तो आज थोड़ा सा चांसेस थोड़े से कम बनते हैं, अगर होगा भी तो आपको थोड़ा सेव करना चाहिए फॉर द रेनी डे। ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप एंग्जाइटी भी फील कर सकते हैं आज के दिन, थोड़ा ये एनर्जी थोड़ी सी इस तरह की है। अगली राशि की भी बात कर ली जाए, तो सेजिटेरियस के बाद अगली राशि आती है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। तो मकर राशि का कार्ड निकल कर आता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड बताता है कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन अगर आपकी है जो कॉम्प्लिकेटेड है तो वो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, और वो आपके लिए मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आपकी इमीडिएट अटेंशन चाहेगी, कि मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर से सीरियस अटेंशन लेकर आपको फर्दर जो है ना ट्रीटमेंट या जो भी वो बोले उसको प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बताता है कि लीगल मैटर भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चल रहा है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अब बात करते हैं एक्वेरियस की, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का चलिए मैं ये कार्ड निकालती हूँ। कुंभ राशि का कार्ड निकल कर आता है फोर ऑफ हार्ट्स का कार्ड। ये कार्ड बहुत क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन आप थोड़ा सा ऐसा महसूस कर सकते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ, लोगों को ज़्यादा मिला मेरे को कम मिला, मतलब जैसे एक होता है ना कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरे की थाली में चीज़ें ज़्यादा अच्छी नज़र आती है ना, तो वही चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आज इस तरह से कंपैरिजन के मोड में होते हैं। लेकिन आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर एक की अपनी जर्नी होती है, अपनी सबकी अपनी भाग्य होता है, लेकिन आपके भी अच्छे दिन होते हैं, कभी आप बहुत सक्सेसफुल होते हो, कभी आप बहुत लो फील करते हो, तो आज थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, कंपैरेटिव मोड में आ सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा फेज है जो कि टेम्प्रेरी है, ठीक है, आज ऐसा होगा, हो सकता है कल बेटर फील करो आप। तो अब आखिरी राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि के लिए मैं ये निकालती हूँ कार्ड। तो मीन राशि के लिए निकल कर आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड मुझे जो एकदम से फीलिंग आया कि आप मीन राशि वालों के लिए आज कोई एक महिला आपके जीवन में जुड़ी हुई जो कि सिंगल हो या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ऐसी कोई महिला आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके परिवार में कौन सी ऐसी लेडी है, जो कई बार ऐसी लेडी, अच्छा जो भी ये लेडी है ना, ये थोड़ी सी एज में ज़्यादा है, यानी कि हो सकता है आपकी दादी हो, नानी हो, या फिर हो सकता है कि आपकी चाची या कुछ ऐसे जो आपसे एज में काफ़ी बड़ी हो, ऐसी लेडी कोई आपकी अटेंशन चाहती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन किए अगर किसी के साथ, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब थोड़ा सा उसको रिवाइव किया जाए, तो ये आपको मैं एडवाइस करूँगी। साथ ही साथ ये भी है कि काम में आपको थोड़े से प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे आज। तो ये आप लोगों का 12 राशियों का हुआ आज का फोकस्ट। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आज की स्पेशल टिप के बारे में। तो स्पेशल टिप, जब हमने स्टूडेंट्स की बात चल रही है तो अब स्टूडेंट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो आज एक टिप और मैं देती हूँ, क्या चीज़ें हैं जो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में आप सक्सेस प्राप्त करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने जो स्टडी टेबल है उस पर क्या क्या चीज़ें ऐसी रखें जो कि आपके लिए लाए सक्सेस लग। तो अगर आप एबैकस रखते हैं अपने टेबल पे,
तो कहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो अबेकस जो है बहुत ही अच्छा एक मेथड है मैथमेटिक्स का, जिससे कि आप अपनी वैसे भी अबेकस आप लोगों की स्मरण शक्ति और आपकी इंटेलेक्ट पावर को इंक्रीज करता है। वही आप अगर अपने डेस्क पे रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा एजुकेशन टावर जो है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, अपने वर्क जो स्टडी टेबल है उस पर रखना, तो आप वो रखिए। और एक चीज़ और, आप अगर एक ग्लोब रखते हैं, ग्लोब भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए, जो भी आपके घर में विद्यार्थी हैं, आप खुद हैं या आपके बच्चे हैं, तो आप एक ग्लोब रखिए और ग्लोब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें बिल्कुल सारे जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं बहुत क्लियर होने चाहिए। और आप अपने बच्चों को बोलिए कि उस ग्लोब को डेली घुमाया करें, जितनी बार घुमाएंगे इसको, मतलब जो भी है इसको ऑड नंबर में घुमाएं, क्योंकि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो 7 टाइम्स तो डेफिनेटली उनको घुमाना चाहिए। तो अगर आप ये ग्लोब रखते हैं तो उससे भी कहते हैं कि आपकी एजुकेशन लग काफ़ी इंक्रीज होती है। तो अब अगर मैं इस साल की बात करूँ, तो हर साल ना स्कॉलेस्टिक ब्रिलियंस का एक स्टार होता है, जैसे बोलते हैं नंबर 4 स्टार, जो कि ना सिर्फ स्कॉलेस्टिक ब्रिलियंस देता है, रोमांस लक भी देता है और साथ में करियर लक भी देता है। लेकिन हम स्कॉलेस्टिक लक की बात करें, यानी कि हम विद्यार्थियों के लिए बेटर लक की बात करें, तो वो है आपका नंबर 4 स्टार, जो कि इस बार लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट में। तो आप उसको अगर एक्टिवेट करते हैं तो आपकी एजुकेशन लक इम्प्रूव होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में थोड़े से 6 क्रिस्टल्स आप लीजिएगा, 6 क्रिस्टल बॉल्स लीजिएगा और उनको रेड थ्रेड में बांध कर आप नॉर्थ वेस्ट में हैंग लगा सकते हैं। कोई भी मेटल का, यू नो, 6 मेटल्स का एक हैंग कर सकते हैं आप विंड चाइम, इससे भी, क्योंकि वो मेटल एरिया है ना, तो उसे लगाने से आप उधर की जो एनर्जीज है उसको एनहेंस करेंगे। वुड एलिमेंट्स वहां से आपको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि वो एग्जॉस्ट करता है वहां की एनर्जी को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एजुकेशन लक काफी इंक्रीज होगी और स्कॉलेस्टिक ब्रिलियंट स्टार आपका और भी ज्यादा चमकेगा। तो ये थी आपके लिए एक खास टिप आज के लिए। अब अगले प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे शीघ्र ही, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।